गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किमचो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे रोज में एक मैसेज, सर बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा है, अब एग्जाम बिल्कुल पास आ गया सर, अब देखो सर आज 30 तारीख हो गई है, अब 7 तारीख एग्जाम है, 6 दिन में हम क्या करें। अच्छा एक बार बताओ मेरे को कि एक आदमी है, मेरी बात ध्यान सुना है, एक आदमी है, उसने बहुत सारा पैसा है, पूरे साल मेहनत करता है, वो जो भी हर दिन मेहनत करता है और अपने पैसे जो है वो एक बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देता है, ठीक है ना, जो भी पैसे कमाता है वो जाके जो रुपए पैसे जो कमाता है वो बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देता है या एक बड़ी सी गुल्लक में डाल देता है, ठीक है ना। और उसे अब साल भर काम किया, उसने खूब सारे रुपए पैसे कमाए, उसने हर दिन वो 5-7 घंटे 8 घंटे मेहनत करता था, रुपए इकट्ठे करता था, उनको बैंक में जाके डाल दिया या गुल्लक में डाल दिया उसने, ठीक है। अब उसको कुछ आवश्यकता है, उसको लगता है कि उसने पूरे साल तो कुछ मतलब लगातार उसने जो है वो कमाया और गुल्लक में डाल दिया या बैंक में डाल दिया, है ना। तो अब क्या करना चाहिए उसको, उसको क्या करना चाहिए, उन पैसे को उसे निकालना चाहिए, चाहे गुल्लक से निकाले वो अपनी या बैंक से निकाले, उस पैसे को निकाल कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए और जो है वो करना चाहिए, ठीक है ना। आप बोलोगे ये अचानक से पैसे बीच में कहां से आ गए, पूरे साल तुमने पढ़ाई किया, तुमने पूरे साल पढ़ाई किया, दिमाग रूपी गुल्लक में, तुम्हारा दिमाग एक गुल्लक के समान है, उसमें तुमने डेटा नॉलेज, पढ़ाई, चैप्टर, यूनिट, ये ना वो सब डाला उसके अंदर डाला, ठीक है। और अब इसमें 2-3 तरह के लोग हैं, एक तो वो जिन्हें डाले ही नहीं, सर हमने तो 6-8 घंटा पढ़ाई ही नहीं की, हम तो कभी कभी जब हमको कोई मोटिवेट कर देता था तो 1-2 घंटा पढ़े और फिर जब तक किसी का चेहरा ना दिखने लगे तब तक पढ़ रहे, फिर चेहरा दिखने लगा तो पढ़ाना बंद कर दिया। तो कुछ तो लोग वो हैं जिनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं, जिन्होंने कभी मेहनत ही नहीं किया गुल्लक में पैसा भरने का, तो उनको तो टेंशन कुछ है ही नहीं है, क्योंकि भैया आप तो ऐसा होगा कि एग्जाम तो कुछ सर पे आ ही गया है, अपन ने साल भर में कुछ किया भी नहीं था, तो अब क्या कर लेंगे, है ही नहीं पास में इन्फॉर्मेशन, तो अभी क्या करेंगे, लंबे लंबे वन शॉट लेक्चर देखेंगे। बायोमेंटर्स पर भी जो है वो बायोलॉजी के लंबे लंबे वन शॉट को उन्होंने री रिलीज किया हुआ है ना, और उन्होंने कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पैसा किया है टीम ने, अदरवाइज मैं कभी भी इतने लंबे वन शॉट लेक्चर के पक्ष में मैं कभी भी नहीं रहता हूं, ठीक है। खैर अब उनके लिए तो वही तरीका है कि अभी अभी काम करना पड़ेगा और अभी जो उसका उस पैसा कमाना पड़ेगा, भी जरूरत है एकदम से कमाना पड़ेगा अभी, ठीक है, जितना हो सके उतना कमाना पड़ेगा, है ना। एक तो वो लोग हैं जिनने साल भर पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है, अब लास्ट में पे कुछ ना कुछ पढ़ के कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने साल भर पैसा कमाया, मतलब अपने घंटे इन्वेस्ट किए, दिमाग रूपी गुल्लक में पैसा रखा और बार बार निकाल के उसे रीयूज भी करते थे, वो यूज किया फिर डाल दिया, यूज किया, पैसे से पैसा कमा सकते हो आप, पता है कि नहीं, बताते पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे पैसा कमा सकते हो। दिमाग के अंदर भरे हुए नॉलेज का भी यदि हम सही इस्तेमाल करें तो उससे नॉलेज को गेन कर सकते हैं। उन्होंने रोज MCQ लगाए, रोज DPS लगाए, उन्होंने फिर नॉलेज को गेन किया, कुछ गलतियां की उन्होंने, फिर नॉलेज को गेन किया, दिमाग में रखते चले गए वो, तो उनके पास में क्या हुआ, उनको खूब सारा इंटरेस्ट मिलता चला गया, खूब सारा उस पैसे पे कमाते चले गए, तो उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने साल भर पढ़ाई किया लेकिन MCQ प्रैक्टिस कम किया, क्वेश्चंस कम लगाए उन्होंने, उनको थोड़ा सा जो है वो अब क्या करना पड़ेगा, अब भैया साल भर तुमने बहुत सारा पैसा जोड़ लिया है, बहुत सारा नॉलेज जोड़ लिया है, तो कम से कम अब MCQ लगा लो। मैं कह रहा हूं नीट 2023 में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस की नंबर थोड़े ज्यादा रहेंगे, स्पेशली इन बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगाना है, NCERT बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब NCERT का कोई भी चैप्टर पढ़ने जाओ, तुमने एक बार साल में अच्छे से तैयारी किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो 8-10 पेज से ऊपर का चैप्टर नहीं है, 8-10 पेज नोट्स ज्यादा है, क्लास में पढ़ाते अच्छा खासा है ताकि तुमको पूरा फंडामेंटल समझ में आए। वो 8 पेज नहीं होते, वो 80 पेज के बराबर होते हैं, जो NCERT के 8 पेज 80 पेज के बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय हमें उन 8 पेज, क्योंकि हम 80 पेज से 8 पेज में क्या है वो समझ चुके हैं हम साल भर पढ़कर, तो इस समय उन 8 पेज को रिवाइज करो, MCQs लगाओ ढेर सारे, ठीक है। MCQ लगाने का मतलब है कि जो जमा धन था वो बाहर निकालो, ब्रेन की रिकॉल पावर को जिंदा करो। अभी हनुमान जी को जब जो है वो लंका जाना था तो उनसे कहा गया भैया कि समुद्र से निकल जाओ, उनने कहा भी मैं कैसे निकल सकता हूँ, इतना लंबा समुद्र है, दिख ही नहीं रहा आर और छोर कुछ इसका। तो उनको फिर जामवंत जी ने
रामायण में है पूरा इंसिडेंस याद दिलाया कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम जो है वो समुन्दर को के आर पार निकल सकते हो, तुम उड़ भी सकते हो। तो हनुमान जी को फिर बताया गया, भाई तुमने एक बार ऐसा काम किया था, तुमको ऋषि मुनि का श्राप मिला तो तुम भूल गए हो, लेकिन हम तुमको याद दिला रहे हैं, तो याद दिलाएंगे तो तुमको वापस आएगा। तो हनुमान जी वो फिर लंका तक पहुंच गए, ठीक है ना। हम सबके ब्रेन के अंदर भी जो है इतना पावर है कि हम चीजों को समय पर रिकॉल कर सकते हैं। अब बताओ मैं आपसे पूछूं, अभी किसी फिल्म का नाम लो, मैं मान लो आपने कोई मूवी देखी हो, ठीक है, कोई भी मूवी देखी हो, मैं पूछूं आपसे, अच्छा वांटेड मूवी में हीरो कौन था, झट बोलोगे सलमान खान। अच्छा थ्री इडियट में हीरो कौन था, आमिर खान। हीरोइन कौन थी, करीना कपूर सर, ठीक है। अच्छा करीना कपूर की शादी किससे हुई, सर सैफ अली खान से। सारा डेटा याद करके बैठे हो, जिन लोगों से कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं, उनके बच्चे, उनके उनके पति पत्नी है ना, किससे शादी हुई, कौन सी फिल्म थी, सब याद रख के बैठे दिमाग में, है ना। फुटबॉल का शौक है, मैं पूछूं मेसी कौन, रोनाल्डो कौन, हाँ सर याद है। क्रिकेट का शौक है तो मैं पूछूं कोहली का क्या, धोनी ने किया क्या क्या, है ना। तो भी टीम के मेंबर के नाम पूछूंगा, झट झट उठता दो, हाँ सर ये सब। दिमाग कमजोर नहीं है, इरादे कमजोर हैं। दिमाग कमजोर नहीं है, इरादे और जुनून कमजोर है। तो इसलिए रिकॉल करने में फोकस करो भाई। इस समय आपको अगले 6 दिन खूब सारे एमसीक्यू लगाने हैं, पढ़ के एमसीक्यू लगाते रहो, क्योंकि एग्जाम में वही टाइम मैनेज करना है। घड़ी लगाइए, सामने क्वेश्चन लगाइए और लगाइए उसको, ठीक है ना। बायोमेंटस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें जाकर जुड़ जाइए, उसमें हम कुछ ऑफलाइन टेस्ट और डालने वाले हैं उसमें, ठीक है। पुरानी ये पेपर ताकि प्रैक्टिस कर सकें आपस में, क्योंकि नया पेपर बनाने का भी हम कुछ भी नया नहीं करना चाहते हैं अभी। हम बच्चों को बिल्कुल भी, बच्चों ने बोला कि सर अभी आप एग्जाम के 2 दिन पहले भी एक ऑनलाइन टेस्ट ले लो, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। अभी आपका अगला 6 दिन जो है ना, वो सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है, अपना रिवाइज करना है। किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए अभी आप, मेरे या किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए। ये 6 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ जो मैंने बायोलॉजी के स्पेशल सेशन लिए ना, लेक्चर 4-5 लेक्चर लिए, उनको जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे अल्ट्रा आईएमपी मैंने टिक कराया हुआ है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में वैसे सेशन नहीं हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है, एग्जैक्टली नॉट पॉसिबल, इसलिए नहीं होता है, ठीक है। टीचर्स नहीं, यानी गलत कोई भी व्यू के लिए गलत बयान नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। तो अभी बेटा अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो ही तो कुछ बदलेगा, है ना, ठीक है। तो भी अभी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने दिमाग के बैंक में जो साल भर से धन भर रखा है, पढ़ाई की रूपी धन भर रखा है, उसको बाहर निकालो। तरीका यही है, एमसीक्यू लगाओगे तो दिमाग के अंदर के तार हिलेंगे, अरे ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, शुरू में गलत हो सकता है। घबराना बिल्कुल मत, खूब क्वेश्चन लगाना। जो बच्चे जितना जितने डीपीएस रिवाइज कर सकते हो कर लो, अगले 5 दिन में जितने ऑनलाइन टेस्ट डीपीएस जो भी रिवाइज कर सकते हो कर लो कर लो कर लो, मैं कह रहा हूं, ठीक है, यही तरीका है, ठीक है। एग्जाम है पता है आपको, मैं पुरानी बात हो गई है, हालांकि जब मैं एग्जाम दे रहा था एमपीपीएमटी का और एम्स का, और एफएमसी, एम्स का तो मैं देने नहीं गया था, एएफएमसी का, और तो उस समय मालूम है मैंने सोचा कि अब लास्ट क्लास में पढ़ने में मन नहीं लगता। एक्चुअली क्या था, एग्जाम को जब 5-7 दिन बचता है ना, तो समझ नहीं आता कि क्या पढ़ ले, दिमाग कन्फ्यूज रहता है कि फिजिक्स पढ़ू कि केमिस्ट्री पढ़ू क्या पढ़ू। तो हमने एक तरीका बनाया, हमने सोचा एक दो ए, जो है 3-3 4-4 चैप्टर का हमने एक तरीका बनाया कि अगले 6 दिन में 5 चैप्टर फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 बायोलॉजी के, इनके एमसीक्यू लगाएंगे, उठा के हजार हजार 2-2 हजार एमसीक्यू लगाए दिन भर बैठ के। भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया कि आज मुझे मैकेनिक्स के एमसीक्यू लगाने, आज मुझे जो है वो पी ब्लॉक एस ब्लॉक जो भी डी ब्लॉक जो भी केमिस्ट्री में उसके एमसीक्यू लगाने, और मुझे बायोलॉजी में जो है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यू लगाने, बैठ जाओ भिद जाओ सुबह से लेकर शाम तक लगा डालो पूरे एमसीक्यू, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ गलत होंगे तो पढ़ लो थ्योरी जाके उसकी उल्टी, कई एमसीक्यू तो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो उस पर फोकस करो बेटा, घबराओ मत, लिखते हैं मैसेज, सर बहुत डर लग रहा है सर क्या करूं, सर क्या करूं क्या करूं, क्या करें, झाड़ फूक करवा दे, डांस करवा दे किसी का, क्या जाओ चलो अपन डांस करते सब मिलके पार्टी चलते हैं, क्या करें डर के लिए, बताओ ना तरीका बताओ ना। अरे डर का मुकाबला करो यार, क्योंकि डर के आगे तो जीत है, माउंटेन ड्यू का हाइट नहीं आता, है ना। तो ऐसे डरने से कैसे काम चलेगा, है ना बेटा, ठीक है। तो अपने दिमाग के बैंक का अकाउंट जो है ना पहले तो भरो, अकाउंट भरोगे नहीं निकाले कहां से, ठीक है ना। कर्जा नहीं मिलता दिमाग पे, दिमाग कर्जा नहीं देता कभी भी, ठीक है।
भरोगे इन्फॉर्मेशन तो बाहर आएगी वो, ठीक है। तो डरना बंद, क्योंकि कमांडो कभी डरते नहीं है। मैं कहता हूं ना जीत में ना हार में मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। एक बात और याद रखना, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। अरे काहे जंग लगा रहे हो अपने दिमाग में, घिस दो भी, जो होगा देखेंगे यार बेटा, है ना, ठीक है, हम साथ हैं। दूसरी बात है, मैंने आपसे ओपिनियन मांगा था ऑनलाइन लाइव सेशन का और रिकॉर्डेड क्लासेस का, तो उस पर मैं आपसे दोबारा भी चर्चा करूंगा, क्योंकि बायोमेंटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टारगेट बैच, 1 जून से शुरू होता है। पूरे देश का बच्चा जो है बड़ी संख्या में वेट कर रहा होता है उस बैच का, और हमारे लिए भी बहुत जो है वो समझ लीजिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत बड़ी उम्मीद वही बैच होता है, और उस बैच में काफ़ी सारा बच्चा भी होता है। और तो हम आपसे इस बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी पहले एग्जाम आप दे लो अपना अच्छे से, ठीक है बेटा। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से किसी को रिपीट करना पड़े कभी ना, मैं चाहता हूँ आप अच्छे से एग्जाम दें और सिलेक्ट हो बेटा आप, ठीक है। चलो ना, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।